बाकी चीजें तो आप हर दिन कुछ ना कुछ देख ही रहे हो, क्या है, क्या चीजें हो रही है। और रही बात मेरी, तो जो मेरा ऑलरेडी पीछे, जो अगर आप 6 महीने पहले जाते हो, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे क्या क्या मतलब कैसे फ्रेम किया गया, अगर देखूँ तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। और उस टाइम मैं ना कोई मीडिया, ना मुझे नहीं चाहिए था, और एक्चुअली बोले मुझे अभी भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हर कोई अपनी बात रख रहा है, हर कोई अपने बारे में कि उनके जिनके भी साथ जो जो चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें अगर रख रहे हैं। तो मैंने जो जिस टाइम जो ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब आप सारे लोग आए हुए हो, पूछ रहे हो, तो मैं बता रही हूँ कि जो भी चीज़ें दिखाई गई मीडिया में, जो भी चीज़ें बोली गई मेरे लिए, वो सब कुछ गलत है। मैं भी बोल सकती हूँ कि मुझे भी फ्रेम किया गया था, क्योंकि मेरे लिए इतना गलत, इतना सब कुछ बोला गया है, फिर भी मैं चुप रही। लेकिन चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप डर गए हो। और रही बात कि राखी जी, उन्होंने तो मेरे लिए क्या ही बोला, मतलब उनका सीधा सा था कि आप मेरे सपोर्ट में आओ। और मेरा था कि यार, ना तो आप मेरे दुश्मन हो, ना आदिल मेरा दुश्मन है, और दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। और अगर दुश्मनी नहीं है तो मैं किसी के लिए क्यों बोलूं, चाहे वो आप हो या आदिल हो या कोई भी हो, मेरा कोई बनता ही नहीं कि मैं किसी के लिए बोलूं। तो उनका ये था कि नहीं, आप मेरे सपोर्ट में आओ। जब मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी, उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार मुझे कॉल मैसेजेस किए, जो कि आज भी मेरे पास है, लेकिन मुझे नहीं दिखाना, नहीं कोई भी चीज़ें, वापस वही सारी चीज़ें करूँ, नहीं करना मुझे। लेकिन तो वही था, जैसे मैंने मना किया, उन्होंने हर दिन उनका नया, ठीक है आज, अच्छा ये आज तरुण प्रेग्नेंट, आज तरुण ने चोरी, मतलब एक चीज़ हो तो बोले, उनका हर दिन कुछ ना कुछ था ना, तो उनके लिए क्या ही बोलूँ। जी, राखी मुझे बहुत बार कॉल की है, और एक बार जब मेरी फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि देखिए राखी जी, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ आदिल के साथ, और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप ही के हैं, और जो भी है वो आप ही के हैं, मेरा कोई भी मैटर कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने जो भी बहुत प्यार से बात की फ़ोन में, वो बहुत प्यार से बात की थी, मुझे ये नहीं बोली कुछ उन्होंने गलत बोला, बोले अच्छा ऐसा वैसा जो भी चीज़ें, ठीक है। मुझे बुरा ये लगा कि या तो आप मेरी बात मान लेते, ठीक है, या तो आप मुझे कॉल नहीं करते। आपने मुझे कॉल किया, मुझसे सारी चीज़ें पूछी, उसके बाद आपने क्या किया, मेरी फैमिली में कॉल किया, मतलब इंस्टा फेसबुक के थ्रू मेरे भाई लोगों से कनेक्ट हुई, भाई भाभी लोगों से, और उनसे मतलब ये जो भी फ़ोटोज़ वगैरह थी वो उन्होंने उनको भेजा, और गलत तरह से पोर्ट्रे करके कि ऐसा ऐसा जो भी चीज़ें। तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत डांटा, मुझे बुरा लगा। तब मैंने सामने से फिर कॉल करके राखी जी को बोला कि चलिए, आप जब इतनी सारी चीज़ें बोल ही रहे हो, मेरे लिए इतना कुछ बोल ही रही हो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, अगर आपको मेरी बात नहीं मानी, चलिए सब कुछ है, अब क्या करूँ। तो फिर जो भी आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी ना, कि ऐसा नहीं ऐसा, वो सारी चीज़ें, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मेरी बात तो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट की हुई थी, लेकिन उन्होंने जितने में मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ वही उन्होंने सबको दिखाया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने ये चीज़ राखी जी को भी बोला था कि मैंने जो भी बोला आपको, मैंने गुस्से में बोला था, तो उन्होंने अच्छा हो गया। वो फोटो एक्चुअली बोले ना तो नॉर्मली ऐसे पब्लिक प्लेस में हमने क्लिक की थी, और आदिल मुझसे हाइट में थोड़ी छोटे हैं, तो वो क्या ना, मतलब गाड़ी के ऊपर खड़े होके फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो वो मैंने मना किया कि ऐसे नहीं, तो मैंने मतलब फ़ोन को ना छुड़ाने के लिए किया, और उस टाइम उन्होंने क्लिक की, तो ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग हग किए हुए थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहली चीज़ तो अगर आप ये बोलो कि मैं डर गई हूँ, मैं डरी नहीं, और किसी के चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप डर गए हो, उसका मतलब ये होता है कि कोई आप जैसे बनना नहीं चाहता, ठीक है। और रही बात पब्लिसिटी और ये मीडिया, मुझे इससे कोई वो नहीं है, और मैं एक्चुअली बोलूँ तो मैं अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ, मुझे ये पब्लिसिटी, कॉन्ट्रोवर्सी, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। और आप बोलते हो कि मेरे
मेरे हस्बैंड को या मेरे पति को उन्होंने यूज़ किया पब्लिसिटी के लिए, उस टाइम पे आप मेरे लिए बोल रहे थे। सेम चीज़ अब आप राजश्री के लिए बोल रहे हो कि उन दोनों का ऐसा ऐसा जो भी अफेयर चल रहा, तो क्या बोलूँ। अच्छा, राखी के ऊपर कहा जा रहा है आदिल और राजश्री के द्वारा कि वो दोस्ती बनाती थी पैसे लूटने के लिए, तो ये आपको कुछ चीज़ का आइडिया? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सारी चीज़ों का कुछ भी आइडिया नहीं है। और जो चीज़ का अगर मुझे कुछ भी रीज़न या कोई भी आइडिया नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। और राखी जी को मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, देखिए आपने जो भी चीज़ें मेरे लिए मीडिया में हर दिन आपने जो किया से 6 महीने पहले, आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें क्लियर, वो तो लाइफ टाइम के लिए आपने मुझे प्रेग्नेंट साबित कर दिया, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेगनेंसी का कर दिया आपने मुझे कि मैं गोल्ड लोल्ड वो क्या कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी आपने आज पूरा मीडिया मेरा इंस्टा फेसबुक सारी चारों तरफ भर दिया, क्या आप वो हटा पाएंगी या हटवा सकती हैं? तो आपने तो मुझे एक तरह बहुत बुरी तरह से मेरा जो भी चीज़ें थी सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो बहुत गंदा किया। तो क्या ये भी मान सकते हैं अभी आप आदिल का सपोर्ट करोगे और राखी के खिलाफ कुछ एक्शन लोगे? मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूंगी, और सिर्फ मैं नहीं हूँ ना कि मेरे कुछ उनके लिए कुछ वापस मैं अगेंस्ट पे जाऊँ और फिर वही सारी चीज़ें, मुझे कुछ भी नहीं करना है। उनके लिए जो बेस्ट हो वो करें, मेरे लिए जो बेस्ट होगा वो मैं करूँगी। और मुझे पब्लिक एक्चुअली बोले तो मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं वापस से वो सारी चीज़ें करूँ फिर वो कुछ बोलें, मुझे कोई भी तय। और एक्चुअली बोले तो मुझे ना ये सारे उसमें जितना आप दूर ही रखो ना वही अच्छा है। तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? राखी को ले मैं जानती ही नहीं, मेरे लिए ये कोई नाम है ही नहीं और मैं मतलब ही नहीं रखना चाहूँगी। लीगल एक्शन यार ऑलरेडी उनके ऊपर इतने सारे, हर दूसरे दिन कोई ना कोई आ रहा है, मेरे एक और अगर जुड़ जाएगा तो उससे क्या होगा? तो जैसे बैक टू बैक 10 कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो सब आप देख रहे हो, शेड्यूल का हुआ, राशि का हुआ, राखी का हुआ, तो इसके ऊपर आपको क्या रिएक्शन, मतलब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है देखिए, मैं तो इतना ही बोलूँगी कि उनका भांडा फूट रहा है या क्या फूट रहा है वो मैं नहीं बोलूँगी। मैं बस इतना बोलूँगी कि देखिए, अगर आप कभी भी, अगर आप, मैं अपनी बात रखती हूँ, आपने मेरे लिए गलत किया, चलिए ठीक है मैं आपके सपोर्ट में नहीं आई, लेकिन आपको क्या एक लड़की के लिए इतना कुछ बोलना चाहिए था, इतना कुछ गलत बोलना चाहिए था? नहीं तो आज आप जिन लोगों को लेके आप पहले ये सारी चीज़ें कर रहे, वही लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं, अगर मेरा देखा जाए तो मैंने, उन्होंने इतना कुछ बोलने के बाद भी मैंने कभी राखी से होगा कि मैंने उनसे बदतमीजी से बात की हो या किसी भी तरह से उनको गलत बोला हो, पर ठीक है वो उनका सोचना है, मेरा सोचना क्या है, मैं उनके लिए कभी भी, मैं उनके लिए नहीं किसी भी लड़की के लिए कभी कोई भी गलत या बुरा ऐसा नहीं सोचूंगी। बाकी थैंक यू। आदिल मेरे घर, पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई अकेले नहीं रहती हूँ, ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। और मेरी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड नहीं है कि किसी को भी बोलेगी कि अच्छा तुम दोस्त हो कोई नहीं, तुम बैग वहाँ से उठा के मेरे घर आ जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल गलत हैं कि वो बैग उठा के मेरे घर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड नहीं है कि वो किसी को भी बोलेगी नहीं आ जाओ आप, कोई नहीं एक रूम खाली है आप रहो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% इसके बाद अब राखी साहब डेफिनेटली आपको देखने के बाद आपको कॉल करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे या कुछ भी करेंगे, आप कैसे इस तरीके का एक्शन लेने वाले? मुझे डराएंगे? देखिए मेरे पास ना अभी अगर देखें तो बीच बीच में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे कोई भी, क्योंकि मैं अननोन नंबर उठाती नहीं पहले चीज, तो कौन है क्या है किसी को मालूम, मुझे मेरे पास उतने ही नंबर में उठाती जो मेरे फ़ोन पे सेव हैं, तो किसी को मौका ही नहीं ना कि कोई मुझे कॉल करेगा, बात होगी या ऐसा कुछ। जैसे कि आप सबसे दूर रहना चाहते हो, लेकिन आदिल के जो मैटर में जो भी है उनको सब में मैटर में घसीटा जा रहा है, तो क्या आपको कुछ कॉल से मैसेज ये सब में आया था कि आप इन्वॉल्व करेंगे? नहीं समझे मतलब ये जो मैटर में, आदिल के मैटर में जो भी है,
अब तो वैसे जा रहा है, कुछ मैसेज या कॉल कुछ आए उनके तरफ से, राखी की तरफ से या नहीं? अगर आया नहीं तो आपको नहीं बोलूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आया। फाइनली आपको क्या लग रहा है, आदिल सही है या राखी सही है, इनोसेंट कौन है? मैं हूँ। आप तो हो लेकिन आपके अलावा इन दोनों में से आप किसको? अगर देखिए, मैं राखी को तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि वो इनोसेंट है, ठीक है। एक बार राजश्री बोले तो फिर भी उनको बोल सकती हूँ कि वो इनोसेंट है, क्योंकि राखी ने जो मेरे लिए बोला है तो वो कहीं से के दूर से दूर तक ये शब्द उनके लिए तो आ ही नहीं सकता। और मैं हूँ, बाकी यार सब लोग ही अच्छे होते हैं, मैं क्या बोलूँ। राखी ने आदित्य से कहा था कि मुझे मारते थे, आपने आदित्य के साथ काम किया? नहीं किया काम, करी क्या आप शूटिंग मैं वही बोल रही हूँ, मैं ये जो भी चीज़ें हुई हैं उससे 2 महीने पहले मिली हूँ, ठीक है। तो आप 2 महीने में ये नहीं कि आप हर दिन मिलते हो किसी से, आप हर दिन मतलब कि किसी से हर दिन मिल रहे हो तो आपको A to Z उनके बारे में पता हो, तो मुझे इतना। और मैं एक्चुअली बोले ना कि मैं क्यों उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मैं उनसे क्यों पूछूं कि नहीं यार आप बताओ आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कुछ मुझे नहीं पूछना है यार, आप दोनों की लाइफ है, आप दोनों की चीज़ें हैं। मैं सिर्फ इसलिए सामने, क्योंकि पता नहीं आप लोग को जो भी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए आज से जो इतने 6 महीने पहले जो भी मेरे सामने जो भी मुझे बोला गया ना, वो जो मैंने टाइम फेस किया है वो मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि मैं वो लड़की नहीं थी कि हर दिन मीडिया के सामने आके नहीं मैं ऐसी, फिर दूसरे दिन वह नहीं मैं ऐसी। मैंने वो टाइम कैसे फेस किया है मेंटली वो मुझे पता है। आपके जो कहीं से कैसा था, बहुत फैमिली के लिए किस तरीके से रहा और आपकी फैमिली का इस पर क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, मेरी फैमिली को पता है कि मेरा नेचर कैसा है, मैं कैसी हूँ, ठीक है। आप लाख कितनी भी उनके सामने गंदगियाँ कर दो, लेकिन आप 30 साल 32 साल जिनके साथ गुजारे हैं ना, तो उनको पता है कि उनकी बेटी कैसी है। इन लोग जो आज 1 महीने पहले 2 महीने या 1 साल पहले या मीडिया से हम इनके बारे में पता लगा रहे हैं, चाहे वो और एक्चुअली बोलो राखी को पर्सनली बोले तो मैं आज तक ना मिली हूँ ना, मतलब एक होता है ना कि मैं उनको जो भी जानती भी हूँ यार, जैसे लोग आपको जानते मीडिया के थ्रू ऐसे मैं भी जानती थी। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ बोला, एक दो बीच में जैसे कॉल्स आए, मेरे पास कॉल्स बहुत सारे आए कि मैम आप इंटरव्यू दो, आप बोलो, आपके लिए इतना कुछ बोल रही हैं राखी, ठीक है मैं क्यों बोलूँ। आप ज़रूरी नहीं ना कि आप, मैं भी आप जैसे बन जाऊँ। आपका सोचना आपके हिसाब से बेस्ट है, मेरा सोचना मेरे लिए बेस्ट है कि मैं शांत रहूँ। तो शांत होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपसे डरता है या कोई आपसे डर के चुप हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोई भी अगर ये सोचता है तो बिल्कुल गलत है। थैंक यू।